वेलकम, मैं हूँ दिया। आज की रेसिपी मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ एक डिज़र्ट है और बहुत मज़े का, कम इंग्रेडिएंट से बनता है। इसको आप कोई भी नाम दे लें, कैंडी केक कह लें, कैंडी कोल्ड केक कह लें, बिस्किट केक कह लें, व्हाट एवर यू नेम इट, ठीक है। अच्छा, बहुत इजी से इंग्रेडिएंट है क्योंकि आपको पता है मुझे डिज़र्ट खाने का कितना शौक है, तो मैं चाहती हूँ ना बहुत मिनिमल से जो इंग्रेडिएंट से बहुत अच्छा डिज़र्ट बन जाए। देखें, तो सबसे पहले मैंने लिया है केक का मोल्ड। इसमें अच्छा, इसकी खास बात यह है कि इसमें मेजरमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं है। आपको जितना भी बनाना हो ना, इस रेसिपी को डबल ट्रिपल कर लीजिएगा। मैंने मोल्ड लिया था, उसको मैंने क्लिंग से अच्छी तरह से रैप किया, उसमें मैंने कैंडी बिस्किट डाली। अच्छा, शर्त यह है कि इसमें आपने कैंडी बिस्किट का ही यूज़ करना है, तभी वो जो है ना मज़ा आपको देगा। मैंने क्रीम ली 250 ml, कंडेंस मिल्क डाला एज़ पर योर टेस्ट। कॉफ़ी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पसंद है, तो मैंने 1 tablespoon इंस्टेंट कॉफ़ी डाल के उसको आपने अच्छा सा बीट कर लिया। अच्छा, बीट करने के लिए आपका व्हिपिंग क्रीम का होना ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल डेरी क्रीम जो आती है आपके पास वो बस आपने ले लेनी है। उसको सब मिक्स करना है। इसमें मैंने जो है डबल लेयर इस तरह से बना दी है, डबल ट्रिपल जितना भी आपके पास मोल्ड या डिश का हिसाब हो वो कर लीजिएगा। इसके बाद इसको मैंने क्लिंग से, देखें ऊपर से इसकी सर्फेस को अच्छी तरह से मैं रैप कर दूँगी। रैप करके इसको मैं ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर दूँगी। ओवरनाइट फ्रीज़ करने के बाद इसकी जो है शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। इसको आपने जो है डीमोल्ड कर लेना है, क्लिंग से हटा के इसको किसी भी प्लेट पे आप डाल दीजिए। अब इसको हम जो है डीमोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर आप चाहें तो कोई सी भी सॉस आपके पास अगर घर में अवेलेबल, मैंने जो है सिंपल फर्स्ट सॉस बनाई थी, 1/2 cup क्रीम और 1 cup मैंने जो है वो सेमी स्वीट चॉकलेट ली थी। आप इसमें जो है मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं या डार्क चॉकलेट लवर वाले जो है इसके ऊपर डार्क चॉकलेट भी जो है यूज़ कर सकते हैं। सिंपल फर्स्ट मैंने बनाई, इसके ऊपर मैंने फर्स्ट इसको डेकोरेट कर दिया। फिर उसके ऊपर जो है मैंने थोड़ा सा लॉटस को जो है मेल्ट करके थोड़ी सी जो है उसकी डेकोरेशन कर दी थी, ताकि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। सिंपल सा केक था बस। इसको बस आप जब दावतें हों आपकी तो इसको आप इस तरह करके जो है रख दें फ्रिज में, जब आपके गेस्ट आ जाएँ तो इसके आप स्लाइसेस बनाएं और सर्व करें। यकीन जाने ये बहुत मज़े का बनता है, ठीक है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत इजी सी रेसिपी है और आप सबको आई एम श्योर बहुत पसंद आने वाली है। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें मेजरमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं है। क्रीम आपके जितनी भी आपने लेनी हो, उसमें कंडेंस मिल्क आपके जो है टेस्ट पे डिपेंड करेगा, और कॉफ़ी आप जो है डाल लीजिएगा कम या ज़्यादा, जैसा भी आपको पसंद हो। और इस रेसिपी को ट्राई करना मस्ट है, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।